ओए मांझा बुले आ गया तू आज पक्का। बार कैसे जीती जा रहे? ऊपर से आता हूं बेटे, ऊपर से। रास्ता हमेशा पहले से सोच के रखा होता है। तुम खुदों को क्या पता? एक दिन तुझे जरूर हराऊंगा मैं। ओ यार मेरी बात सुन, कब से तू यही पंकी जा रहे, इसको हराऊंगा हराऊंगा हराऊंगा। ओ इसको हराना मुश्किल नहीं है, वो नामुमकिन है। ओ बॉलीवुड की नाजायज औलाद कौन है, ये डॉन है। देखो भाई जो भी करना है ना जल्दी करना, क्योंकि बहुत जल्द आपका भाई पूरा होने वाला है यहाँ से। क्यों, वीजा आ गया तेरा? आ जाएगा, वीजा भी आ जाएगा। और जब आएगा ना, भाई की होगी नौकरी, पार्टियां, फिर जाके कहीं वो क्या कहते हैं वो परमानेंट रेजिडेंस। ओ परमानेंट नहीं होए कोतिया, परमानेंट कहंदे ने। पहले अंग्रेजी बोलने तो सीख ला। उड़ा लो चाचा जी, तुसी भी मजाक उड़ा लो। जब तो पहुंच गया ना मैं यूके, तुसी फिर मैनू कॉल कर करके कहना है ए बुलिया एक अद्धी ना गोरी ना गल तो करा दे। अबा बल्ले बल्ले बल्ले, नहीं तेला करनी है मेला मेला। पहले पहले प्यो नू ते पूछ ला। मना लांगे प्यो नू भी मना लांगे, तो जे ना मन्ने ओदे हुक्के च मिर्चा पा देने। लेकिन जाना मैं जरूर, पाव नहरो नहर चला जावा। ओ वो तो सही है, पहले इथों दा चलो। हाँ चाचा जी किन्ने पैसे हो गए? ताड़े बन गए ने। बल्कि खाते च लिख देना है। वो किन्ने खाते बनाओगे? ताड़े खाते ही लंबे हो गए ने, बल्कि खूह खाते हो गए ने। जाओ तुहानू खुदा हदायत देवे। आजो जी आजो। टंट चेक कीता ही फिर ओलू दे पट्टे हो की कर रहे हो? कितने होर जाके पानी लाओ निकल दे। मीना किधर है हमारा पुत्र? बुला आ गया जी? सो रहा है, थक गया शायद। थक गया? सारा दिन आवारा गर्दी करता रहता है और घर सिर्फ सोने के लिए आता है वो। नहीं अबा, भाई आवारा गर्दी की तो नहीं कर रहे थे, बल्कि हाँ आज तो उनके दोस्त की कॉल आई थी, वो ना नौकरी के लिए बुला रहे थे है ना, वहीं गए थे वो। बस कर दे पुत्र, बस कर दे, हर वक्त उसके ऐबों पे पर्दा डालती रहती है। मुझे नहीं पता वो सारा दिन किधर जाता है, क्या करता है, कहाँ उठता बैठता खाता पीता है, मुझे सारा पता है। तू मेरी बेटी है, मेरी माँ ना बन, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे उसके बारे में सारा पता है। मैं बुलाकर लाती हूँ। रहने दे मेरा पुत्र, रहने दे।
बैठ के खाना खा मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओ क्या बना भाई, बड़ी भूख लगी है। भाई समीना, माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो मस्जिद में ऐलान करवाना चाहिए कि हमारा पुत्र हमारे साथ बैठ के खाना खाएगा आज। बड़ी बात है भाई। बस कर तो खाना खा लो पहले। कल से तूने मेरे साथ थाने चलना है। क्यों? क्यों क्या होता है भाई, वो सारी जिंदगी वेला फिरना तूने, काम काज के मत्थे लगो, कोई रिस्क रोटी के मत्थे नहीं लगना तूने कि सारी जिंदगी ऐसे गुजार देनी है। जी कर लेगा काम, अभी बड़ा वक्त पड़ा है। समीना तेरी इन्हीं बातों की वजह से ना वो कुछ नहीं करता है। वो इसकी उम्र में जब मैं था ना तो मैं हवालदार लग चुका था, अपने पैरों पे खड़ा हो चुका था मैं। तो आपने बड़ा उखाड़ लिया। क्या बोला तूने? यही कि 10 साल कछुए की रफ्तार से जितना आपने काम किया ना वो मैं 5 साल में पूरा कर दूं। देखा है? सुना तूने अपने लाल की बातें? मेरी सारी जिंदगी की मेहनत की कमाई, हक कलाल की कमाई को वो कछुए की रफ्तार बोल रहा है और तू सुन रही है। अच्छा बस कर दो, खाना तो खा लो। आज इसी ईमानदारी की वजह से ना हम इतना पीछे रह गए आज अम्मा। और पुत्र हक कलाल की कमाई में इतना ही होता है, जो तुझे ज्यादा उड़ने का शौक है ना तो जा जाके कमा। तेरे जैसी ना शुक्री औलाद जो होती है ना वो किसी हाल में खुश नहीं रहती है। कमा लूंगा, कम से कम जिंदगी में तरक्की तो कर पाऊंगा ना। जरूर करी तरक्की, और हमारी दुआएं तेरे साथ हैं। ना बड़ी मेहरबानी है आपकी। खाना ना छोड़ी अम्मा, बस इनके ताने सुन सुन के मेरा पेट भर गया। रोजती किलकिल रोजती बक बक, उठ चल रिबा, ये सारा कुछ साफ करके उठना, दोनों बाप बेटा समझ आ गई? चलो उठ रिबा, आप ही करेंगे मुसीबत। ओ हेलो, तू किधर बैठ, खाना खाना है तो खा, नहीं तो पुत्र है सारी सफाई नाल करके जानी। मैं बाहर भी काम करा घर भी करा। चले गई अम्मा, वड्डे शेर बने फिरते। लेट फड़ाओ। ओ चल मेरे मक्खणा, ओ चल मेरे मक्खणा, ओ चल मेरे मक्खणा। बुले बंद कर यार ये गाना। तुम तीनों की सवेरे सवेरे लड़ गया। मैंने ख्वाब देखा है बुल्ले। कैसा ख्वाब? जहन्नुम थी, आग ही आग थी चारों तरफ। फरिश्तों ने मुझे खुद बताया कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये गलत है। ओए ओए, ये 2 दिन तूने तस्बीह क्या पकड़ ली? तुझे लग रहा है तुझे फरिश्ते नजर आ रहे हैं? मैंने इस्तखारा किया बुल्ले। कि ए मोटरसाइकिल बेचण दा? ये किरामन कातबीन सब नोट कर रहे हैं। कौन? किरामन कातबीन। ओए मेरी बात सुन, किसी का हक नहीं मारते हम, डिमांड और सप्लाई का काम करते हैं। जिस चीज की डिमांड हो उनको सप्लाई करते हैं बस। लेकिन ये किरामन कातबीन। यार किरामन कातबीन मैं सब समझता हूँ, तू भी समझ, काम पे ध्यान दे। देख यार वो देखते सही, यूके जाने के लिए मुझे थोड़े से और पैसे चाहिए। जैसे पैसे पूरे होंगे असी एक काम ही छाड़ दांगे। ठीक है? चल ठीक है फिर। ऐ होई ना गल, चाह मंगा यार। अच्छा ले आ चाह हुण। ओए बुल्ले बुल्ले, बुल्ला आ रहा है, तू मोटरसाइकिल अंदर कर। ओ बुल्ले, ओ छड़ दे इश्क मशूकियां, कुछ नहीं पे ना कमा च। क्या देखी जा रहा है, बस भी कर। हाय क्या करूं, दिल भरता ही नहीं। अच्छा जी,
मेरी हेमा, हेमा नहीं हिन्ना नाम है मेरा। क्या फर्क पड़ता है, वो तो तुम मेरे लिए हेमा ही ना। आजा। हाय। तोहफा छोटा सा। बुल्ला। तो यूके जाके मेरे बगैर कैसे रहेगा? कुछ अरसे की तो बात, तू भी आजी वहां। अच्छा, मैं कैसे आ जाऊं? अब्बा नहीं मानेगा। और छह डब्बे ने मना लांगे नू। सच्ची? मुच्ची। अच्छा तू ये देख, ये देख मैंने क्या मंगवाया है। वो रीमा ना जहाँ काम करती है उसकी ना बाजी ने उसको बहुत सारे कपड़े दिए थे, तो मैंने ना उसमें से ये वाला मंगवा लिया। कैसा लग रहा है? ओए इतने छोटे कपड़े, तुझे शर्म नहीं आएगी? अब इसमें शर्म की कैसी बात, बुल्ला उधर ना ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, जैसा देश वैसा भेस। मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, देख। तुझे अच्छा नहीं लगा? ठीक है, मना कर देती, नहीं मंगवा रही। नहीं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा चल, मुझे ये पता और क्या क्या प्लान है तेरे? छोटे कपड़े, मेकअप, हीले, डिजाइनर बैग। और डिजाइनर नहीं होता, डिजाइनर होता है, डिजाइनर। अच्छा बात सुन, तुझे मेरी बिल्ली वॉक देखनी है? बिल्ली वॉक क्या? कैट वॉक। वहां जाके मैंने वही करनी है और मैंने उसकी बड़ी प्रैक्टिस भी की। देखनी है? ये पकड़ पकड़, मैं तुझे अभी दिखाती हूं। ऐसे आहा, क्या बात है। ओए ध्यान ना, बैजा 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 बैजा। कैसी लगी? कैट वॉक। मेरा ख्याल पहले सीधा तुरना सीख लिए हैं। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। वो भी सीख लेंगे माँ जा। आए आए बुल्ला, कितना मजा आया। हाथ रख ला, रख। बुला रही तुम्हें। की बुया बुया। गेम जीत गया ना। बस कर दे। ओए बिस्किट। हाय हाथ नहीं मारी था, बुरी खाल। साथ। बिस्किट ही है। अच्छा मैं एक गल है, वैसे यूके जाके ना थोड़े हाथों का खाना बड़ा याद आना। हाय हाय। सिर्फ खाना? हाय हाय सेंटियां गल्ला। दरा मेरी मधुरी दीक्षित। हाय अल्लाह। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੋਲੇ। ਡੋਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਵੈਸੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੌਪ ਸਿਟੀ 'ਚ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ। ਸਭ ਕੌਣ? ਅੱਬਾ ਤੇਰੇ। ਉਹ ਜਾਣ ਦੋ ਅੰਮੀ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਬੋਲਿਆ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਤਿਆਰ, ਲੈ ਜਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਔਰ ਕਿਸ ਕੋ ਕਹੂੰ? ਬੁੱਲਾ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟਾਈਮ। ਬੁੱਲਾ ਪਰ ਖਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਯੂਕੇ ਜੋ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੁੱਲਾ ਡੋਂਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ। मुजफ्फर साहब को जो जगह पसंद आ जाए वो उसे हासिल करके रहते हैं। और आपका ये गैर तामुन वाला रवैया, उससे उनको काफी तकलीफ होगी। जी मैं समझ सकता हूं, लेकिन जिस दिन मैंने ये वर्दी पहन ली थी उसी दिन खुद से अहद कर लिया था कि हराम का नहीं खाना। बस
ये जो ईमानदार होते हैं ना, इनका गुरूर ही इनके लिए नुकसान का बायस बनता है। ईमानदार लोग तो समझते हैं कि वो ही दुनिया के सबसे सच्चे और ईमानदार हैं। सलीम साहब, इस दुनिया में कोई भी शख्स मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं होता, कोशिश करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती। आप लफ्जों को जितना भी तोड़ लें, मोड़ लें, लेकिन बुरा बुरा ही होता है। आपका बेटा यूके जाना चाहता है, आपकी बेटी ये जो पढ़ती है और आगे भी पढ़ेगी, जारी बात है। तो सलीम साहब, आपने तो वर्दी ले ली और पहन ली, उनके लिए कुछ ले लें, उन्हें तो जरूरत पड़ेगी ना। अपनी आखिरी सांस तक भी नहीं, समझे आप? ठीक है, फिर मैं चलता हूं। चाय तो पीते जाएं। फिर कभी चाहिए, अगर जिंदगी रही तो। ठीक है, अल्लाह हाफिज। तेरी रफ्तार कछुए जैसी क्यों है आज? मेहमान तो चले भी गए और तू चाय पकड़े यहीं खड़ा है, खैर है ना? और कुछ बोलता क्यों नहीं? ये प्यार करते हैं मुझसे? सब झूठ, बकवास। भुलिया भुलिया, लोग अपनी औलाद के लिए जान भी दे देते हैं, लेकिन ये इतनी सी रिश्वत नहीं ले सकते हमारे लिए। बस कर दे, हम इनके बच्चे हैं भी नहीं। अम्मा बस कर दे। नहीं, ये इंसान हमें कभी भी आगे तरक्की नहीं करने देगा। यूके जाना तो दूर की बात है, मुझे तो लगता है कल को अरीबा की शादी के लिए भी पैसे नहीं होंगे इनके पास। बोले बस कर। नहीं अम्मा नहीं, आपसे तो बेहतर था बाप होता ही ना हमारा। बुलिया, वो पैसे ले सकते थे अम्मा, ये फजूल के काम मुझे करने ना पड़ते। सेट हो जाना सी। सेट हो जाना सी। कितने साल हो गए उनको पुलिस में है जी?
तुझे पता है इतने सालों में कितने लोगों ने रिश्वत देने की और पता नहीं क्या कुछ देने की उनको कोशिश की, क्यों नहीं लिया? क्यों? क्योंकि खुददार है वो। खुददारी जो है ना माँ, कभी कभी खुद गर्जी बन जाती। इस वेले तो बड़ा खुद गर्ज लग रहा है तू मैन। मेरी बात सुन, तेरे कहने पे क्यों ले लेते रिश्वत? इतने साल नहीं ली, अपने जो होते हैं ना वो ताकत होते हैं, कमजोरी नहीं होते। वैसे बड़ी सख्त बातें की तूने उनके साथ, दिल दुखाया, नाराज है तेरे से। शामा सेंटिनोव, मैं चला जाता हूं उनके पास, लेकिन सिर्फ आपकी खातिर। उठा उनको जाके, फजर का वक्त हो गया। बात सुन मेरी, आखिरी बार तूने कब पढ़ी थी नमाज? दो दिन पहले तो जुमा पढ़ा मैंने। दो गई, दो दिन पहले, फजर का वक्त है, नमाज पढ़। और ये कान में मुंदरी क्या डाली तूने? मम्मी स्टाइल हैगा मेरा, स्वैग है, स्वैग। कौन नहीं समझ रहा स्वैग? खरे मुंडा की कह गया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बड़ा अफसोस हुआ आपके वालिद साहब का, बड़े अच्छे इंसान थे सर, अल्लाह पाक की दात उनकी मकफर फरमाए। बाकी सर अल्लाह का माल अल्लाह को अल्लाह की मर्जी है। सर ये बिल था सर सामान का, ये सर तेरा जल्दी दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी सर, मैंने जाना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। बाकी सर अल्लाह पाक की दाद उनकी मफर फरमाए। ये क्या? पिछले 5 साल से थोड़ा थोड़ा करके जो उससे हो सकता था तेरा बाप तेरे लिए जमा कर रहा था, तेरे भले चाहने के लिए। क्या बाप बेटे का प्यार उनके नजरिए से बड़ा होता है बेटा। बोलिया तू इस घर का बड़ा है, तू ही रह गया, जो जी चाहे वो करी, जो जी चाहे
बुल्ला, तेरे अब्बा का सुन के बहुत अफसोस हुआ। सब बहुत अचानक हो गया ना। अब्बा को हुआ क्या था? अच्छा सुन, ये वक्त नहीं है मुनासिब इस वक्त बात करने का, लेकिन अब हमारा क्या होगा? क्या मतलब? मतलब कि मेरे रिश्ते आ रहे हैं बुल्ला, मुझे जवाब देना है, मुझे पता होना चाहिए हमारा क्या होना आगे। ये मुनासिब वक्त नहीं इन बातों का। तो मुनासिब वक्त कब आएगा बुल्ला? अब्बा ने घर आने जाने पे पाबंदियां लगा दी है मुझ पे, रोज पूछता है मुझसे, दबाव डालते हैं मुझे, मना नहीं कर सकती मैं अब। और अब तो तू वैसे भी कहेगा कि तू यूके नहीं जा सकता, क्योंकि माँ बहन तेरी जिम्मेदारियां जो पड़ गई हैं यहाँ पे। सब इसी तरह चलेगा तो हमारा गुजारा नहीं है। सोच ले तू, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। कोई गल नहीं चौबी साहब। वो अब्बा जी की कुछ चीजें तुम्हारे वाले साहब को सुना बहुत अफसोस। कब जा रहे हो यूके? इस दुनिया में अपनी बात बनाने के लिए एक चीज की जरूरत होती है, अब वो है पैसा। यूके जाना हो, घर खरीदना हो, या किसी का मुंह बंद करना हो, मेरा ख्याल है कि तुम मेरी बात समझ गए हो कि पैसा है सब कुछ। बैठ बुल्ले। यार बड़ा अफसोस हुआ तेरे अब्बे का सुन के। बड़े नेक आदमी थे यार माशाल्लाह, पांच वक्त की नमाजी, अल्लाह उन्हें जन्नत दे यार।
आमीन। हुआ क्या था? कितने पैसे खाए तूने? यार देख बुल्ले, ये बड़े ताकतवर लोग हैं, मैं इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता हूं। मेरी अपनी भी मजबूरी है, जिम्मेदारी है मेरे ऊपर बहुत ज्यादा। देख तेरे लिए भाइयों वाला मशवरा है, तू अपने अब्बे की जगह लग जा। देख मैं जानता हूं कि महकमे में आने का तेरा कोई शौक नहीं था, मगर ठंडे दिमाग से सोच, तू पढ़ा लिखा है, तेरी प्रमोशन भी जल्दी हो जाएगी और तेरी माँ और बहन को तेरी जरूरत है। सही तरह काम करेगा, पैसा और पावर दोनों तेरे हाथ में होंगी। बुल्ले, पैसे के बगैर दुनिया में कुछ नहीं होता है, पैसा है तो सब कुछ है। एक बार ठंडे दिमाग से सोच, क्या कहता है? सब इसी तरह चलेगा तो हमारा गुजारा नहीं। तू इस घर का बड़ा है, तू ही रह गया, जो जी चाहे वो करे। इस दुनिया में अपनी बात बनवाने के लिए एक चीज की जरूरत होती है। सही तरह काम करेगा, पैसा और पावर दोनों तेरे हाथ में होंगी। पैसा?